जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के जल्दी ये बन के अल्लाह जवाब तुम्हारा नहीं। मदर जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के जल्दी ये बन के अल्लाह जवाब तुम्हारा नहीं। हाय अल्लाह जवाब तुम्हारा नहीं। रात और खुश आमदीद आपको उस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार बाइट्स। आई एम खालिद अनम। आपकी मुलाकात हर प्रोग्राम में एक न एक सितारे से होती है। अपनी अपनी फील्ड का सितारा अपनी अपनी रोशनी बिखराता यहाँ आता है और कुछ न कुछ पकाता है। आज भी एक सितारे को मैंने यहाँ बुलाया है। वो सितारा मुख्तलिफ जहतों में शाइन करता रहा है ओवर द ईयर्स ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। इज एन एक्टर, अ वेरी फाइन जेंटलमैन, जिसे कहते हैं ना कि एक जेंटलमैन एक्टर होता है वो है, और गुड लुकिंग मैन आई टेल यू, एंड प्रोफेशनली ही फ्लाइट्स, लेकिन अदाकार है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्ट भी करता है, असिस्ट भी करता है, और उसकी एसोसिएशन बहुत बड़े बड़े स्टार मेकर्स के साथ रही है। वेरी फाइन मैन, खवातीन और हज़रात में बुलाता हूँ नसरुल्लाह। नसरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? क्या बात है यार, स्टूल पे खड़ा हो जाऊंगा। अरे नसरुल, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम तो अच्छा जा रहा है आपका। प्रोग्राम तो अच्छा जा रहा है। दाढ़ी वाड़ी क्यों रखी हुई? दाढ़ी के सीरियल में काम हो रहा है उस सिलसिले में, बल्कि आप भी तो हम एक सेट पे नहीं, नहीं मैं आया था, आप बीमार थे, गोली लगी। बिल्कुल बिल्कुल, मिजाज पुष्टि के लिए बिल्कुल आया। अच्छा रसूलुल्लाह, अदाकारी में कैसे आना हुआ? ये तो ना कहना बचपन से शौक था। नहीं बाकी मुझे बिल्कुल, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल फ्लायर, मैंने कहा जैसे आप एक एयरलाइन में काफी अच्छे थे, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि हमें क्या खिलाया जाता है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अब बना बनाया ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बहरहाल यहाँ मैं इंशाल्लाह आपको अपनी जो पसंदीदा डिश है वो कोशिश करूंगा बना के खिलाने की। लेकिन वहाँ पर भी जो हम खिलाते हैं फ्लाइट सर्विस में, तो वो हमें तैयार आता है और हम पेश करते हैं। वरना रोज मार का रहे होते हैं। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अदाकारी? अदाकारी में मुझे हकीकतन जो आपने अभी कहा, मुझे कोई बचपन से शौक तो था नहीं ना मैं, और जब शुरू में मैंने काम किया भी था तो मैं उस वक्त को जब याद करता हूँ, और अभी अभी थोड़ा बहुत जो एक्टिंग आई है वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो बस वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ और आप जैसे अच्छे आर्टिस्टों के साथ और दूसरे हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उन लोगों के साथ काम कर करके बस सीख गए। कभी इधर से थप्पड़ पड़ा, कभी इधर से थप्पड़ पड़ा। ये कि ये बड़ी खुशकिस्मती हम जैसे लोगों की, मेरी आपकी, कि हमें बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। आजकल में बड़ा टेलीविजन पाकिस्तान टेलीविजन इज द मेन थिंग, और जिनको काम आता, जिनको हम बिला छुओ चला कह सकते कि भाई ये इन्होंने कह दिया तो ये सही होगा, काजिम पाशा जैसे हो गए, इसमें कोई शक नहीं हो। हम आजकल काजिम पाशा की चूंकि सीरियल में काम करें, मार्वलस मैन, उनको भी बुलाएंगे एक दिन। बिल्कुल, क्या बनाएंगे मुझे नहीं पता, वो जूते मारेंगे, चीखो पुकार ऐसे करें बगैर माइक की आवाज आ जाएगी। बस उनकी चीख से बड़ा डरते हैं लोग आर्टिस्ट ना। आप असिस्ट भी कर रहे हैं? हाँ, बल्कि इस वक्त इत्तेफाक से मैं उन्हीं का एक सीरियल है, आप भी जी जी वही काम भी कर रहे हैं, तो उसमें मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। मैंने उनको पहला सीरियल एक असिस्ट किया था 92 में, कशकोल के नाम से, NTM के। उसके बाद फिर ये है कि उनको मैंने वो सीरियल असिस्ट किया, फिर एक और सीरियल PTV का था हमारा एतराफ, वो मैंने असिस्ट किया, बेशुमार लॉन्ग प्लेज असिस्ट किए, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, असिस्टेंट जो होता है उसका काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तो उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको अब एक्टर्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी क्या है क्या नहीं है, बिकॉज डायरेक्टर तो शॉर्ट्स बनाने में होते हैं, डायरेक्टर की और अपनी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन असिस्टेंट ने डायरेक्टर की जिम्मेदारी को भी, डायरेक्टर को भी सर पर उठाया होता है। बल्कि ये जो आप इस पे, मुझे एक याद आई एक बात, शर्मा साहबाई साहब, मैंने उनको सुल्तान खान मरहूम और हम लोग पहला जो है हमने वो किया था, एक प्ले था उनका, उसका नाम था फनकार के लिए, मुझे उसमें होना था, लेकिन बावजूद मैं ना हो, वो मेरी पहली बिहाइंड द कैमरा पहली प्रोडक्शन थी, तो उसमें शर्मा साहब ये कहा करते थे
कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुड बी अ शैडो ऑफ द डायरेक्टर और उसको एक एक चीज का जो है ख्याल रखना पड़ता है। इवन कहीं पर अगर डायरेक्टर कहीं ट्रैक से बाहर असिस्टेंट बताता है कि सर नहीं ये थोड़ा सा तो कहता हाँ ये चीज काजिम साहब बिल्कुल काजिम साहब कभी इस चीज को बुरा नहीं मानते। अच्छा तो भाई ये मुझे बताइए खान साहब आप बनाएंगे क्या अपने पठानों को गोश्त बड़ा पसंद होता है। हाँ लेकिन मैं यहाँ चपली कबाब नहीं बना सकता मुझे इसके लिए बहुत बड़े थाल की जरूरत होगी और तो यहाँ पर आप ही के हवाले से ये जो है स्पाइसी कीमा स्पाइसी कीमे का अरेंजमेंट है इंशाल्लाह ताला। तो स्पाइसी कीमा नसरुल्ला खान बना रहे हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं क्या करेंगे स्टार्ट लेते हैं। इसमें ये बता दो इसमें आपके इम्तिहान कुकिंग का नहीं है ये तो ऐसे शुगल मिला है। नहीं तो अगर इम्तिहान होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है ये हो गया देखो। हाँ बिल्कुल अच्छा नसरुल्ला फ्लाइंग करते करते काफी हादसा खुदा ना खासा होते होते रह जाते होंगे हादसा देखें वो जिंदगी में कहा नहीं होते तो ये अच्छा सबसे पहले ऑयल हाँ, डाला हाँ ऑयल डाला जी ठीक है। और जनाब कोई इंटरेस्टिंग वाकया फ्लाइंग के दौरान बेशुमार होते हैं इंटरेस्टिंग भी होते हैं और ड्रामा करके गए लोगों ने पहचाना पहली दफा वो कैसा लगा। हाँ बिल्कुल वो कैसा लगा अच्छा लगता है अपने दोस्तों ने तो नहीं तवा लगाया नहीं बल्कि अच्छा लगता है मतलब आप सर्विस दे रहे हैं और साथ में ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं क्या बात है अच्छा तस्वीर बन रही है तस्वीर साथ बना रहे हैं जनाब ये तो गर्म हो रहा है फिर हम तो इसमें जो है वो हम चला दूं। हाँ बल्कि थोड़ा सा असिस्ट कर ही लें आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल चमक जाता है तो इसमें अब आप डालिए सबसे पहले ये आपने डाला मेरे अंदाज से थोड़ा सा आपको अनाड़ीपन लग रहा होगा लेकिन मैं इतना अनाड़ी नहीं हूँ खाना वाना आता है अच्छा ये हो गया जनाब हाँ ये हो गया ये तो हम लाल करेंगे प्याज और उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जो जब तक प्याज लाल हो रहा है हम ऐसा करते हैं गाना गाते हैं क्यों नहीं बिल्कुल तुम साथ में गाओगे ना नहीं नहीं मैं और आपके सामने क्यों नहीं सामने नहीं साथ मिलकर गाना भाई नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ खाना पका नहीं नहीं कहाँ पका रहे हैं खाना ना पकाए भाई लेकिन गाना गाना चलो हम गाना गाते हैं है अपना दिल तो नारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो नारा न जाने किस पे आएगा हसी मैंने बुलाया जमन जमी लगाया बहुत समझाया समझा हसीन बुलाया से भी लगाया बहुत समझाया यही मैं समझा बहुत देख बहुत बोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा बहुत अच्छे जबरदस्त जबरदस्त अभी तक दिल किस भाई मैं हमेशा से आपका बड़ा गर्वीदार हूं। नहीं आप और आपका एक एक सॉन्ग मुझे आज भी याद आता है पीरा क्या बात जबरदस्त मुझे कल मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जो वो लोग जो जिनकी वक्त मेरी नजर में होती है ना कि भाई कोई वैल्यू है उनकी क्योंकि हर किसी को आदमी हर आदमी मुझे भी कई लोग इस काबिल नहीं समझते होंगे कई मेरी राय लें लेकिन कुछ लोगों की राय मैटर करती है उनमें से एक आप भी है क्योंकि आप जहां दीदा है ना तो मुझे मालूम है कि नसरुल्ला कुछ कह रहे थे यार उसने दुनिया देखी हुई है उसने बड़े बड़े फनकारों को देखा हुआ है तो जरूर उसको मैटर करता होगा तो ये बहुत नहीं और जाहिर है अगर मैं तारीफ कर भी रहा हूं तो आप हकीकतन उसके काबिल भी ओके ठीक है जनाब अब ये चूंकि लाल हो रहा है इसके बाद हमने कीमा भी डालना है इस वक्त छोटी सी ब्रेक की बारी आई है तो आप कहीं मत जाइएगा आप देख रहे हैं स्टार बाइक फिर खा रहे नसरुल्ला देखे भाई दोनों दो हुए बेताब हो उधर तुम बेचैन है इधर हम पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम बेताब हो उधर तुम बेचैन है इधर हम पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम मैन वेलकम बैक टू स्टार बाइक विद खालिद अनम एंड नसरुल्ला खान। नसरुल्ला हमारी फिल्मों के गाने कितने जबरदस्त होते हैं यार बहुत अच्छे देखो ना सुहेल लवर साहब वहीद बराज रुश्दी साहब फिल्में देखी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी
हाँ अपने जमाने में जब अच्छी फिल्में भी बना करती थी तो बिल्कुल देखी, क्यों नहीं देखी। जैसे अच्छा अब हम चूंकि ब्रेक पे थे तो यहाँ चूल्हा जल चुका हुआ था, अभी आपने देखा कीमा हम डाल चुके हैं, हिमा डाल चुके और ये भी यकीन कर लें कि कीमा मैंने ही डाला था, मतलब ये नहीं। अच्छा अब हम मसाले डालेंगे, ऑलरेडी इस पे एक चम्मच अदरक डाल चुके हैं बिल्कुल, और डाल देंगे आप एक जो है इसका पेस्ट है अदरक और लहसुन का, डाल दे एक चम्मच और डाल दिया। अच्छा आप मुझे कुछ बता रहे थे कि आपने घर में इंस्ट्रक्शन दी जी 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 वो क्या है। अच्छा बाकी में ये मैंने अपनी बेगम से ये कहा एक वक्त में कि भाई आप जो है बॉर्चीखाना चूंकि आपका काम है तो आप जो है वो आपकी जो भी यानी पूरे घर की सेहत जो है अच्छा ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन, वैसे तो हाउस में जायका ही होता है लेकिन ये है कि आप ये समझ लीजिए कि कम तो ज्यादा किया जा सकता है, ज्यादा को कम करना मुश्किल हो जाएगा, ये एक ही डालें और हाउस में जायका फिर जो है और लाल मिर्च और ये कुटी हुई लाल मिर्च चम्मच लेने हाँ इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है कुटी हुई लाल मिर्च जो है आपको और मजेदार है हाँ ये जरा सा इसको आप रखें थोड़ा सा ज्यादा हाँ बिल्कुल आप करें ना भाई अपना कितने दिन के बाद घर समझे। अच्छा आप मैं क्या कह रहा था कि मैंने अपनी बेगम से ये कहा कि क्योंकि बॉर्चीखाना आप संभालती हैं और जो भी शख्स किसी भी घराने के अंदर बॉर्चीखाना संभाल रहा हो तो उसके उसके हाथों में होता है पूरे घराने की सेहत, ठीक है। अच्छा अब यह है कि आप जो है खाने के अंदर मैंने उनसे ये कहा कि अदरक और लहसुन की मिकदार ज्यादा रखा करें क्योंकि ये इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है आपके सेहत से, आपके ब्लड प्रेशर से, आप कोलेस्ट्रॉल से, ये सारी चीजें। शुरू शुरू में मेरे बच्चों ने बड़ा शोर मचाया ये ज्यादा है ये नहीं ये थोड़ा ये नहीं होना, मैंने कहा नहीं, मैंने बेगम से कहा इनको मत बताओगे इतनी डाला या नहीं डाला है लेकिन आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है आज मैं खुद 50 साल क्रॉस करने वाला हूँ और कोई बीमारी ऐसी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर अल्लाह का बड़ा एहसान, तो ये तो बात ठीक है अल्लाह तो ये इस चीज में बिल्कुल इन चीजों पे अमल करके छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप सुबह उठ के पानी पिए, 3-4 गिलास 5 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें, अच्छा हेल्थ कॉन्शियस हो तुम बिल्कुल मैम, और एज के साथ साथ फिर हो भी जाता है बंदा, आदमी को होना चाहिए काय पिए सब कुछ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये हो गया और अब क्या और देखिए कैसा भूनता जा रहा है। अच्छा और अब हम ढके हाँ थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालें थोड़ा इसमें और टमाटर लाइए आप टमाटर उठाइए, असल में मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर रहा हूँ और देखिए दो जब बिल्कुल अनाड़ी मिल जाए तो ऐसा होता है किचन में रसगुल्ला। चलो अच्छा रसगुल्ला का मेरा एक शौक और भी हम जो शेयर करते आए थे, अब इसने धोखा दे दिया, हम फोक सगल एक जमाने में विवाद अभी भी है, इसने गायब कर दी अपनी फोक सगल, नहीं आपके पास है अरे क्या बात अच्छा, है क्लब के मेंबर थे भाई भाई फोक सगल क्लब हमारा। अच्छा अच्छा नहीं मैं बस ये था कि वो फॉक्सी जो है वो मुझे तो बड़ी पसंद थी, घर बच्चों को नहीं थी भाई इसमें बैठना नहीं ये भाई रख लो बैठना क्यों नहीं यार, तो वो मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हो तो हम उसमें खास वीकेंड पे निकलते हैं। इसको चूल्हा आहिस्ता करें हम थोड़ा सा ताकि आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे ठीक है। चलो वैसे सीक्वेंस तो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया था लेकिन आप वो सीक्वेंस अब इसको हम ढक देते हैं ताकि बिल्कुल हाँ अब आपसे गुफ्तगू हो जाए। अच्छा मुझे बताओ गाना तो तुम्हें तुम शुरू से कराची का रहे हो ना। हाँ जी बिल्कुल मैं पैदा यहीं हुआ और अच्छा इसलिए तुम्हारी उर्दू इतनी साफ है पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा एक चीज मैं बताऊ बहुत सारे हमारे आप देखें कि जो अच्छे शायर गुजरे हैं पख्तून स्पीकिंग थे, अहमद फराज साहब देख लें आप कतील सिपाही देख लें और कितने नाम ले रहे क्या अच्छी उर्दू सर्विस ले बहुत बड़े बड़े अदाकार अदाकार हमारे वो भी मतलब पठानों में पठाने बिल्कुल हमारे अदाकार थे बड़े बड़े तो ये कि कराची में पला बड़ा वैसे मेरा ताल्लुक जो है वो तो आप दीदी कबीले से। अच्छा ये तो आपने भोरा अब और क्या रह गया डालना इससे स्टेज से आ गया। अच्छी आई है भाई है ना। अच्छा अब इसमें आ रही है अब मजीद इसमें खुशबू लाने के लिए थोड़ा सा ये आप डालेंगे इसमें 3-4 डालें और थोड़ी सी ये आपकी ख्वाहिश पे ये डाला मजा खुशबू मसाला ना हो और फिर गरम मसाला ना हो मसाला क्या बात है। ये है आपका जो है गरम मसाला तकरीबन आधा चम्मच डाल दीजिए इसके ताकि ज्यादा गर्मी भी ना हो। वैसे पठान खाने में ज्यादा मसाला होता नहीं है हाँ ज्यादातर टमाटर या हरी मिर्च होती है और बस इसको ढक दें अभी थोड़ा सा मैं हाँ ये अब इसको ढक दें और ये जो है अब इसमें जायका इसका खुद ब खुद आता चला। अब हम आप ऐसा करते हैं जब तक इसमें जायका आ रहा है हम आपको दर्रा खैबर की सैर कराते कैसे
नहीं नहीं ये क्या बात है यार। अच्छा किसका गाना बताइए आप? आप बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। हाँ ब्रेक पे तो, नहीं मैं मुझे पसंद तो जाहिर है मैं भी भाई हमारा वो हमारे एक वैसे तो उर्दू गाने थे लेकिन चले थोड़ा सा अब वैसी मतलब इसमें ज्यादा पता नहीं चलेगा गलतियां की मैंने कोई पश्चिम में इतना पता नहीं चलेगा। वो हमारे बड़े अच्छे मुझे बेहद पसंद है और जाहिर सभी उनको पसंद करते हैं। बड़ी अच्छी आवाज है सरदार अली टक्कर सरदार तो उनका एक बड़ा अच्छा है। बहरहाल मैं हाँ बिल्कुल गुनगुना देता हूँ। जमाप ख्याल के तवे जमाप खोफ के तवे जमाप जड़ा जमा जिगर जमा है सास के तवे नज कमादर पसे लर सारा कले शपे में सबा कले पधे लटुन के गुला कला खंदली में दी कला जड़ली में दी दुस्ताप तलाश के जाना माप जवंदुन बेल जेर मास दिगर स्कने माखाम उस्पिन सहर में बेल वो आखिरों में अब क्या बात है मुझे एक लफ्ज बड़ा अच्छा समझ आया इसमें तुम अच्छा पता है इसमें मैं सरदार अली टक्कर साहब से माजरत के साथ भाई और जिन लोगों ने उनकी मोहब्बत कर लिया है बहरहाल ये और कुछ आगे पीछे भी कर दिया मैंने लेकिन आपने इंसिस्ट किया बिल्कुल अच्छे की मुझे लेकिन मैं उन लोगों से माजरत के साथ जिन लोगों को भाई ये अब आप सुन ले दर्रा खबर का गलत से टुन का लफ्ज था मैं भी कह रहा टुन ठीक है जनाब टुन मैंने कहा बोला था इसमें बीच में सामने टुन वापस पे जब वापस आए ना टुन पे हम लोग थे टुन पे इसी पहन लेंगे छोटी सी ब्रेक यहाँ पे कीमा इनका जो है तकरीबन तैयार है जब वापस आएंगे तो हम आपको और कीमा सुनाएंगे हम लेकिन ब्रेक वाह मतन Mata pasting akhla khandal ma kawa marba meke Zama jana na marba meke Mata pasting akhla khandal ma kawa marba meke Zama jana na marba meke La 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 Ek din bit jayega maati ke wo Jag mein reh jayenge pyar tere wo Dooje ke honton ko dekhkar apne geet Koi nishani chhod phir duniya se bol Ek din bit jayega maati ke wo जग रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल वेलकम बैक टू स्टार बाइक्स विद खालिद रहमान नसरुल्लाह खान नसरुल्लाह कीमा हो गया जनाब हाँ तैयार है भाई बड़ी डेडली है ऐसी वैसी हो गया डर अब क्या करें हाँ बस अब ये जो है अब हम ऐसा करते हैं कि इसके डिश आउट करेंगे डिश आउट करते हैं और चूल्हा बंद करें ठीक है चलो ये लीजिए जनाब ओहो कैसा है तो देखने में वैसा बना है जो गरम गरम नान के साथ वो जाते ना हाईवे पे खाने वहाँ पे तो बेहतरीन खाना होता है वहाँ का माश की दाल नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हम हाईवे पे और ढाबे होते हैं ना हाँ। या अब आप देखें ना कि आप जैसे भी कह रहे थे नसरुल्लाह बड़ी अच्छी बात इसने कहा कि कुछ लोगों के हाथों में जायका अल्लाह ने दिया होता है बिल्कुल कि वो आम सब्जी उठा के पानी में उबाल के मसाला और ये मेरे साथ हुआ है मैं यकीन करें मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो सब्जी उठाई उबलते हुए पानी में डाली मसाला डाला हाँ। और जनाब उसको जो है वो तैयार हो गया हाँ तैयार हो गया और ये ढाबे वालों के साथ अब इसमें थोड़ी सी डाल देना हाँ वो थोड़ा सा आप भी तो असिस्ट करें ना हाँ बिल्कुल अच्छा थोड़ा ये डालें इसमें फिर हाँ इसके बाद अच्छा जनाब ये हो गया अब इसकी थोड़ी सी इससे जायका भी आएगा और थोड़ी सी इसकी शक्ल भी बेहतर होगी यहाँ रखिए ना ठीक है यहाँ रखिए इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा ऐसे को ये अदरक हो गई अदरक हो गई और जनाब वॉश करेंगे जरा उसके ऊपर और जनाब जो है
ये तो ऐसे जरा कच्चा खा जाए आदमी बगैर रोटी के, है ना। तो बस ये शायद हम ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप ऐसा कहें ना, ये कांटा आप पकड़ी जी, पकड़ा और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि ये पता चले। हम नहीं, आप करें, मुझे तो पता है इसका क्या जाएगा। अच्छा ओ, 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 मालूम, ऐसी बात है यार, और क्या। अच्छा वाह यार। अच्छा पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके रिएक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जो मेरी बेगम होंगी ना, वो पता है किस तरह देख रही होंगी। खैर नहीं है कि पकाते हुए देख के, क्योंकि मैंने आज तक कभी जिंदगी में, बस तो भाभी अब आइंदा से हफ्ते में एक दफा ये खाना पकाएंगे आपके लिए खास तौर पर। कीमा, कीमा तो बना के देना यार भाभी। बस दिस इज ग्रेट, ग्रेट इज लवली, अच्छा बन गया भाई, मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है। अच्छा भाई, जब कुक खुद खाने लगे इसका मतलब अच्छा बना। तो ये मुझे बताओ कि अब वादा करो, अब घर में बुलाओगे हमें पका के खिलाओ खुद? नहीं, इस चीज का तो वादा करता हूँ, घर में तो अभी बुला लेता हूँ आप। नहीं नहीं, नहीं, नहीं पका के खिलाओगे, लेकिन इस चीज का चले मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, दिस इज नसरुल्ला ने आपके सामने स्पाइसी कीमा बनाया, लवली, बहुत मजेदार है। आप खाएंगे, आप बनाएं अपने घर में, आपको यकीनन मजा आएगा। और नसरुल्ला, मैं बहुत तहे दिल से आपका ममनून हूँ कि आप आए शो में, आपने हमें, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमें बुलाना लाजमी था आपके लिए। और बात यह है कि नसरुल्ला है क्या, वो बहुत कम लोगों को मालूम है, है ना। इतना ज्यादा आया नहीं रसुल्ला, अपने आप को खोला नहीं, बस रिजर्व सा आदमी, लेकिन आज हमने पूरी कोशिश की, एक लफ्ज हमने इससे निकलवा लिया पख्तून में तो निकल गया। इसका मतलब है अच्छा आदमी है ये। ठीक है, चलो अब हम आपसे ज्यादा चाहते हैं दोस्तों, लेकिन जाते जाते हम यही कहना जिससे हमने शुरू किया था, खुदाफिज आपसे हम लेते हैं रसुल्ला, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा, अनहोनी अगले का लाख बिछाए तो फिर भी बिछड़ाया बुलाए, अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए तो फिर भी बिछड़ाया बुलाए, ये बिरहा ये दूरी ये पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला चाहे तो घबराए, परम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से को, एक दिन रुक जाएगा मैं पी के मो, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे दो, ला 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 ला।